नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूं इस समय रीवा के पुराने शहर में। जी हां, किसी जमाने में रीवा यहीं पर था। एक मेरे साथ आप एक देख रहे हैं वॉच टावर, किंवदंती है यहां पर फांसी हुआ करती थी। और ये क्या है, इसी के बारे में आज हम शहरवासियों को, तमाम लोगों को जानकारी देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ इतिहासकार असद जी मौजूद है। आज हम उन्हीं से जानेंगे इसकी वास्तविकता, इसकी सच्चाई क्या है। जो मेरी जानकारी है, इस जानकारी के अनुसार इसको राजा रघुराज सिंह जी ने बनाया था। और मैं असद जी से पूछूंगा, सबसे पहले तो ये बताइए, इसका निर्माण किसने किया? इस इमारत का निर्माण, इस वॉच टावर का निर्माण महाराजा रघुराज सिंह जी ने किया और उसका निर्माण हुआ 1865 में। दरअसल इस इमारत जो ये वॉच टावर बना है, इसके पहले यहाँ पर एक बुंदेलहा दरवाजा था। चूँकि 1726 ईस्वी में महाराज 36 साल के बेटे हृदय शाह बुंदेला ने यहीं पर राज पर हमला किया था और उनकी जीत हुई थी। अपनी जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने एक दरवाज़ा बनवाया था, वो था बुंदेलहा दरवाज़ा कहा जाता था। जब महाराजा रघुराज सिंह सत्ता में आए, राज पे आए, तो उनको लगा कि गुलामी का प्रतीक अभी का क्यों है। महाराजा रघुराज सिंह जी ने अपने दीवान दीनबंधु पांडे जी जो मरणिया थे, उनको कहा कि इसको ध्वस्त करवा दो। तो जो महाराज 36 साल के बेटे के बनवाए जो विजय द्वार था, उसको ध्वस्त करवा दिया। विजय द्वार था, बुंदेला राजाओं ने रीवा राज में कब्जा किया, यहाँ पर एक उसका प्रतीक बना दिया विजय द्वार। जब रीवा राजा एक बार फिर से पावर में आए, उन्होंने उसको तोड़कर यहाँ पर एक शानदार इमारत बना दी। हम आपको इमारत के अंदर ले चलते और ये भी दिखाएंगे किस शैली से बनाई गई। और असद जी से हम और भी आगे इसके पूरे इसके बारे में जानकारी चाहेंगे, किस तरीके से बनाई गई और इसमें किस तरीके की व्यवस्थाएं थी। आइए चलते हैं परिसर के अंदर। मेरे पीछे ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो भी देख रहे हैं, ये बैरक हुआ करती थी, यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। साथ में लगी हुई किले की प्राचीर है। और अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर हम चलते हैं असद जी के पास। असद जी, ये बताइए, जैसा कि ये हमारे हिसाब से बैरक ही दिख रही है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हो और ये क्या कर सकते हैं? देखिए, ये जो टावर है, वॉच टावर है, इसमें जैसा कि हमने बताया कि 1865 में बना था, इसके दो मकसद थे। इसको बनाने में मकसद एक ये था कि चूँकि 1857 के बाद भी क्रांतिकारियों का यहाँ आवागमन बना हुआ था, तो अंग्रेज बड़े सुशंकित रहते थे यहाँ के क्रांतिकारियों से जो अपने हारे थे। तो उन्होंने कहा कि चूँकि ये विजय दरवाज़ा ध्वस्त हो रहा है, तो महाराजा रघुराज सिंह यहाँ पे अपना एक द्वार बनवा रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसा ऊंचा द्वार बनवाया जाए कि जिससे रीवाराज के अंदर आने जानों पर निगाह रखी जा सके। तो महाराजा रघुराज सिंह ने कहा कि इसमें हम ये भी चाहते हैं कि चूँकि हमारा राज्य कनेक्टिविटी नहीं है राज्य हमारे, तो या तो कबूतर से वो खत भेजते थे या वो मैसेज भेजते थे। उन्होंने कहा कि एक हम सिग्नल कोर जो वॉच टावर बनाया गया, वॉच टावर में एक ये व्यवस्था की गई कि यहाँ पर से रीवा राज जितना चारों तरफ फैला हुआ था, काफ़ी बड़ी, यहाँ पर से लगभग 150 किलोमीटर दूर बांधवगढ़ रीवा राज का इलाका हुआ करता था, वहाँ पर तक संदेश पहुँचाने के लिए इस इमारत को बनाई गई थी। हम आपको इमारत में जहाँ तक रास्ता है वहाँ तक ले चलने की कोशिश करेंगे और आगे असद जी से ये पूछेंगे किस तरीके से संदेश भेजे जाते थे और इसकी इमारत की रूपरेखा क्या है, किस शैली में ये बना हुआ। आइए चलते हैं ऊपर का सफर तय करने के लिए। आप पहुंचे हैं पहली मंजिल पर, वॉच टावर। असद जी, एक सबसे बड़ा सवाल, हमारे पीछे आप देख रहे हैं वॉच टावर, जैसा कि आपने बताया एक किंवदंती है, पूरा रीवा शहर ये सोचता है ये विजय द्वार नहीं था या वॉच टावर नहीं था, ये फांसी घर था। तो इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, ये फांसी घर कभी नहीं था, ये केवल निगरानी के लिए रखा गया था। इसके ऊपर एक हॉलैंड की दूरबीन थी जिसकी लंबाई लगभग 5 फुट थी, तो दूरबीन से 60 कोस दूर तक के लोग देखे जा सकते थे। इस नज़र इस रीवा के मुख्य मार्गों से कम आ रहा, कम जा रहा, उसकी पूरी रिपोर्टिंग होती थी और महाराजा को उसकी रिपोर्टिंग दी जाती थी, कौन बाहर से आ रहा, कौन अंदर का जा रहा, किससे संबंध है। दूसरी चीज़,
क्योंकि रीवा राज्य में जंगलों से जुड़ा हुआ था, बांधवगढ़ इनका मुख्य किंगडम है, कुल देवता बघेलो के वहीं भी विराजमान है, और टंगथर है, सिरमौर है, जवा है, गुड़ है, इस तरह से जो पहाड़ी से जो घिरा हुआ है, तो बीच बीच की जो पहाड़ियाँ थी यहाँ पर एक सिग्नल कोर था, उसमें सिग्नल में शीशे थे और कुछ शीशे की प्लेट्स थी, तो यहाँ वाले जो सिग्नल कोर का कोडिंग होती थी, जो कोडिंग छुड़िया घाटी के जो सतमुखी पहाड़ी है उस पर लगा हुआ था, और रीवा राज के अंदर जितनी भी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं सब में लगा हुआ था, तो यहाँ से वो सिग्नल कोडिंग करते थे, सिग्नल भेजते थे, तो बीच वाला समझेगा क्या कर रहे हैं, वो आगे को फॉरवर्ड करता था, इस तरह से पूरा मैसेज बांधवगढ़ तक पहुँचता था, वहाँ से कोई मैसेज कर रहे हैं जो महाराजा के लिए, इसी तरह से हमारे महाराजा रीवा फंसाता था। मैसेज करने का उस जमाने में आधुनिक तकनीकी इजाद कर ली थी रीवा राज घराने ने, जैसा कि असद जी का साफ तौर से कहना। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है, हमारे दर्शकों को बताइए, बिल्डिंग आज लगभग काफी पुरानी हो चुकी है, इसकी एक अद्भुत शैली दिख रही है, ये कौन सी शैली है, जरा इसके बारे में भी हमें बताइए। ये तो मुकुटा, ये यूरोपियन शैली है, ये चार मंजिला है, ये भूतल से लगभग 80 फीट ऊंचा है और इसकी ऊंचाई 80 फीट है, और यहाँ पे कभी कोई फांसी नहीं दी गई है, क्योंकि फांसी देने के लिए 1885 में एक जेल बना था कैदियों को रखने के लिए, आधुनिक जेल बना, वो उसे फांसी कर भी था रीवा जेल में, जिसको भी बाद में लोगों ने बंद कर दिया, उसको बंद करवा दिया, लेकिन जो फांसी यहाँ पे होती थी वो कहाँ होती थी पुराने वक्त में, वो गुढ़ा तालाब फांसी होती थी, जहाँ पे आज सब्जी मंडी है, आड़ा से खुली जेल। आपका कहने का मतलब है रीवा राज परिवार ने उस जमाने में खुली जेल बना ली गई थी, जो कैदी ज़्यादा वो करते थे, जिन पर बड़े आरोप हुआ करते थे, उनको खुले में फांसी दी जाती थी, जिसकी वजह से अमन चैन सुकून यहाँ पर कायम रहे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ दर्शक भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, यहाँ पर आप इसके पहले कभी आए थे, क्या लगता है आपको? मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ और मुझे देखने में बहुत ही अच्छी बिल्डिंग लग रही है, और ये यहाँ पर मेरा कहना है कि बिल्डिंग के विषय में कि यहाँ से सिर्फ निगरानी के लिए बिल्डिंग बनाई गई है। जैसा कि अभी असद जी हमको बता रहे थे, ये बिल्कुल मिथ्य एक भ्रामक प्रचार था, यहाँ पर फांसी हुआ करती थी, ये पहले बुंदेला राजाओं ने इसको विजय द्वार बनवाया, उसके बाद रीवा राजा रघुराज सिंह जी ने यहाँ पर उसको तोड़कर एक वॉच टावर का निर्माण किया, वॉच टावर से यहाँ पर पूरे रीवा राज में निगरानी हुआ करती थी, उन्होंने एक आधुनिक तकनीकी इजाद की थी, कबूतरों वाली तकनीकी से आगे की तकनीकी दूर संचार, जो आज बदलकर आपके हमारे हाथ में जो मोबाइल होता उसमें बदल गई है। मैं एक बार और थोड़ा असद जी को और कष्ट दूंगा, मैं चाहूंगा यहाँ कुछ 20-25 सीढ़ी दिख रही, अगर वो चाहें तो अगर चढ़ सकते हैं। चलो, हम यहाँ पर मौजूद हैं विजय द्वार के बाद वॉच टावर में, वॉच टावर में हम यहाँ पर जिस हालत में है अब आपको दिखाऊं, यहाँ पर कोई ना आता है ना जाता, कबूतरों ने इसको अपना यहाँ पर वो बना लिया है, रहने का ठिकाना बना लिया यहाँ पर, जिस तरीके से यहाँ गंदगी देख के साफ तौर से देखा जा सकता है, मतलब मेरे ऊपर आप ठीक छत के ऊपर भी देख रहे हैं, एक मंदिर और है, हालांकि वहां पर आने जाने का कोई भी साधन नहीं। मैं आपको दिखाऊं, जैसा कि अभी असद जी कह रहे थे कि यहाँ पर से मैहर तक, मैहर लगभग यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है, वहां तक का नजारा किसी जमाने पर यहाँ पर देखा जा सकता था। एक नदी बह रही है, इस नदी के बारे में जरा संक्षेप में हमारे दर्शकों को जरा आप बताइए, ये किले से जुड़ी हुई नदी और इसका इतिहास क्या है? देखिए, पिछिया सोन का संगम है, ये बिगड़ बनता है, दो नदियों का जो मिलन है वो किला के पीछे होता है, और दो नदियां मिलके ये बिगड़ बनती है नदी, और जैसा कि जहाँ पे आप खड़े हुए हैं इसमें 19 सीढ़ियाँ थी जो लकड़ी की थी इस टावर की, और मैं 25 साल पहले इसमें चढ़ा हूँ, उस वक्त की जर्जर थी, और मैं यहाँ पर बरगद की लट, बरगद हुआ करते थे, उनकी लट पकड़ के मैंने चढ़ा इसमें, तो इसके ऊपर से पूरा रीवा का दृश्य आप करीब 60-70 किलोमीटर दूर तक आप दृश्य देख सकते हैं, और यही की मेन उद्देश्य था। विजय द्वार के बाद बना वॉच टावर, वॉच टावर
जिस तरीके से मैं आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा कि एक बार उस नदी को भी दिखाने की कोशिश करूं। हालांकि इसके ऊपर अभी 20 से 25 फीट और ऊपर जाना, यहां से रीवा का आधे से ज्यादा विहंगम दृश्य नजर आ रहा है। आप सोचिए, चारों तरफ उस जमाने में जब रीवा किले के अंदर ही था, उस जमाने में यहां पर किस तरीके का नजारा रहा होगा, उस नजारे की कल्पना करिए। मैहर से लेके तमाम ऐसी जगह पर 60 किलोमीटर के चारों तरफ इस जगह से निगरानी की जा सकती थी। ये कोई एक मामूली बात नहीं थी। हम आपको फिर से लेके चलेंगे बहुत जल्द। असद जी से मैं चाहूंगा एक बार मैं फिर से किसी ऐतिहासिक जगह पर आपको लेकर चलूं और रीवा के इतिहास के बारे में आपको फिर से परिचित कराऊंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।